नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ दुष्कर्म के दोषी को फांसी की सजा का प्रावधान करने वाला विधेयक लोकसभा से पारित। मुजफ्फरपुर में स्वाधार गृह से 11 महिलाओं के गायब होने के मामले में स्वयंसेवी संस्था सेवा संकल्प विकास समिति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। पिछले 4 दिनों से हो रही बारिश के कारण प्रदेश की नदियां उफान पर, नालंदा जिले में पंचाने नदी पर बना बांध टूटा। और राज्य सरकार ने फतुहा मोकामा टाल क्षेत्र के विकास के लिए 1893 करोड़ रुपए की योजना तैयार की। लोकसभा ने आपराधिक कानून संशोधन विधेयक 2018 पारित कर दिया है। ये विधेयक इसी वर्ष 21 अप्रैल को जारी अध्यादेश का स्थान लेगा। विधेयक में 12 साल से कम आयु की लड़कियों के साथ दुष्कर्म करने वालों के खिलाफ मौत की सजा का प्रावधान किया गया है। विधेयक के अनुसार 16 साल से कम आयु की बालिका के साथ दुष्कर्म के लिए न्यूनतम सजा 10 साल से बढ़ाकर 20 साल कर दी गई है, जो आजीवन कारावास तक बढ़ाई जा सकती है। विधेयक में तेजी से जांच और मुकदमे की सुनवाई का प्रावधान भी किया गया है। दुष्कर्म के सभी मामलों की जांच के लिए समय सीमा भी तय कर दी गई है। जांच 2 महीने के अंदर अनिवार्य रूप से पूरी कर लेनी होगी। 2 महीने के अंदर ही सुनवाई पूरी करनी होगी। विधेयक में अपीलों के निपटारे के लिए भी समय सीमा तय की गई है। मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले में बालिका गृह का संचालन करने वाली स्वयंसेवी संस्था सेवा संकल्प विकास समिति के खिलाफ स्वाधार गृह से 11 महिलाओं के लापता होने के मामले में महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है। जिला बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक दिवेश शर्मा ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बालिका गृह मामला सामने आने के बाद जब स्वाधार गृह का निरीक्षण किया गया तो उसमें ताला लगा हुआ था। इस गृह में 11 महिलाएं रह रही थीं। वहीं सीबीआई की टीम ने कल बालिका गृह परिसर का मुआयना किया। टीम में शामिल अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से बालिका गृह के बारे में पूछताछ भी की। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सीबीआई जल्द ही बालिका गृह का संचालन करने वाली स्वयंसेवी संस्था के प्रमुख ब्रजेश ठाकुर और अन्य आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। जांच एजेंसी ब्रजेश ठाकुर की महिला मित्र मधु की तलाश में भी जुटी है। मधु ही ब्रजेश ठाकुर के एनजीओ की मुख्य कर्ता धर्ता बताई जाती है। इधर समाज कल्याण विभाग ने सभी जिलों में चल रहे शेल्टर होम के संबंध में जिलाधिकारियों से 15 अगस्त तक रिपोर्ट मांगा है। प्रदेश के नियोजित शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतन देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। इस मामले को लेकर केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में कल ही अपना हलफनामा दायर करते हुए जवाब पेश कर दिया था। उम्मीद जताई जा रही है कि आज इस मामले में कोई अंतिम फैसला आ सकता है। प्रदेश में समान स्कूल प्रणाली लागू करने पर पटना हाईकोर्ट ने सरकार से 3 सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस संबंध में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से जवाब तलब किया। याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार के संकल्प के अनुसार समान स्कूल प्रणाली को लागू करने के लिए वर्ष 2006 में मुचकुंद दुबे समिति का गठन किया गया था, जिसने 2007 में राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। 11 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद सरकार द्वारा इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। रेलवे ने कहा है कि 9 अगस्त से शुरू हो रही ग्रुप सी की परीक्षा के लिए 71% से अधिक अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्र उनके शहरों के 200 मीटर के दायरे में आवंटित किए गए हैं। वहीं 40 लाख परीक्षार्थियों को उनके आवासीय पते के 500 किलोमीटर के दायरे में परीक्षा केंद्र आवंटित किया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। विभाग ने कहा है कि प्रदेश के ऊपर बने चक्रवाती दबाव और आसपास के क्षेत्रों के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण अधिकतर हिस्सों में अगले 48 घंटों के दौरान बारिश की संभावना बनी हुई है। पिछले 4 दिनों से हो रही बारिश के कारण प्रदेश की नदियां उफान पर हैं। नालंदा जिले के रहुई प्रखंड के मई फरीदा गांव के बीच पंचाने नदी पर बना बांध नदी के तेज बहाव में बह गया, जिससे प्रखंड का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। वहीं जिले के हरनौत के पवाड़ी गांव के पास तटबंध के ध्वस्त हो जाने से सैकड़ों एकड़ जमीन में लगी फसल बर्बाद हो गई है। इधर कैमूर जिले के भभुआ में बेलाव बग्घी पथ पर पानी चढ़ जाने से यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई है। जहानाबाद के अलगना मोड़ के पास दर्धा नदी पर बना डायवर्सन पानी के तेज बहाव में ध्वस्त हो गया, जिससे इस मार्ग पर आवागमन बाधित है। जल संसाधन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बक्सर और आरा में गंगा नदी खतरे के निशान के आसपास बनी हुई है।
कोसी गंडक बूढ़ी गंडक कमला बलान और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में भी लगातार बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज प्रदेश में उत्पन्न बाढ़ सुखाड़ की स्थिति को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। श्री कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के जिलाधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा करेंगे। बैठक में कृषि विभाग, ऊर्जा, वित्त, ग्रामीण कार्य, खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण, पथ निर्माण, जल संसाधन, लघु जल संसाधन, स्वास्थ्य, पशुपालन और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के वरीय अधिकारी मौजूद रहेंगे। राज्य सरकार ने फतुहा मोकामा टाल क्षेत्र के विकास के लिए 1893 करोड़ रुपए की योजना बनाई है। जल संसाधन मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने कहा कि आम लोगों से मिली राय के अध्ययन के बाद इस योजना को केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि इस वर्ष 1250 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर 423 बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों को पूरा कराया गया है। श्री सिंह ने कहा कि सभी अभियंताओं को निर्देश दिया गया है कि वे अंतिम समय तक लोगों को बाढ़ से बचाने के लिए सभी संभव कदम उठाएं। पटना स्थित सांसदों और विधायकों की विशेष अदालत ने चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में पूर्व सांसद रमा देवी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। पटना के गर्दनीबाग इलाके से पुलिस ने एक सरकारी क्वार्टर से 900 बोतल शराब बरामद की है। मौके से एक कार और एक स्कूटी को भी जब्त किया गया। भागलपुर जिले के कहलगांव थाना क्षेत्र के कुलकुलिया गांव से पुलिस ने छापेमारी कर जाली नोट बनाने वाले अंतर जिला गिरोह के सरगना को नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया है। मौके से जाली नोट छापने की स्कैनिंग मशीन और प्रिंटर भी बरामद किया गया। बांका जिले की एक अदालत ने दहेज हत्या के 7 साल पुराने एक मामले में 3 दोषियों को 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाई है। हिन्दुस्तान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को प्रमुखता देते हुए लिखा है, विश्वविद्यालय कर्मियों को 7वां वेतनमान जल्द। दैनिक जागरण की सुर्खी है, IRCTC घोटाले में लालू, राबड़ी और तेजस्वी को सम्मन। दैनिक भास्कर की खबर है, 40 लाख असम निवासी नहीं साबित कर पाए नागरिकता। अखबार की एक अन्य खबर है, महिलाओं का खतना संवैधानिक अधिकारों का हनन सुप्रीम कोर्ट। प्रभात खबर ने लिखा है, मुजफ्फरपुर बालिका गृह में 3 तरफ सीढ़ियां देख चौंक पड़े CBI SP। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, तापमान गिरने से मौसम में आई मिठास, अभी और बरसेगा पानी। आज की खबर है, PM ने दी इमरान खान को बधाई। और अब अंत में मुख्य समाचार। 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ दुष्कर्म के दोषी को फांसी की सजा का प्रावधान करने वाला विधेयक लोकसभा से पारित। मुजफ्फरपुर में स्वाधार गृह से 11 महिलाओं के गायब होने के मामले में स्वयंसेवी संस्था सेवा संकल्प विकास समिति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। पिछले 4 दिनों से हो रही बारिश के कारण प्रदेश की नदियां उफान पर, नालंदा जिले में पंचाने नदी पर बना बांध टूटा। और राज्य सरकार ने फतुहा मोकामा टाल क्षेत्र के विकास के लिए 1893 करोड़ रुपए की योजना तैयार की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।